जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गया 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 गया। तो गाइस यार, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खटारा कार ली थी और उस कार को इतना खटारा कर दिया था और उस कार के साथ हम लोगों ने पूरे के पूरे किलोमीटर निकाले थे 1000। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये कार होने वाली है और इस कार को हम लोग करने वाले हैं अंडरग्राउंड और उसके बाद में क्या होगा वो आप लोगों को धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर पता चलता जाएगा। तो गाइस आप लोग देखोगे यार, हमारे पास कार होने वाली है, हमारी ये कार जो कि यार बिल्कुल अभी ठीक ठाक कंडीशन के अंदर चलती है और हमें क्या करना होगा कि एक जेसीबी की मदद से एक खड्डा खुदवाना है और कार को पूरी की पूरी अंडरग्राउंड करना है और साथ में साथ मैं और गुड्डू अंडरग्राउंड दफन होने वाले हैं, वो भी इसी कार से। और उसके बाद में इस कार के ऊपर डाल देंगे पूरी की पूरी मिट्टी। हो सकता है यार ये विंडशील्ड भी टूट जाए, हो सकता है ये कांच टूट जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसकी छत भी बिचक सकती है, अंदर हमारी मौत भी हो सकती है। बहुत ज्यादा रिस्की वीडियो है तो आप प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने बगैर कहीं पे भी मत जाना। चल अंदर, चल चल, तू भी चल शिवराज, तू भी चल भाई, आज ये जान लेके छोड़ेगा भाई। तो गाइज हमने गुड्डू और शिवराज दोनों को कार के अंदर फिट कर दिया और कार को अभी थोड़ी देर के अंदर हम कर देंगे अंडरग्राउंड और इन दोनों को जिंदा ही अंडरग्राउंड दफन कर देंगे। तो गाइज हम क्या करेंगे, दफन करके इनके ऊपर मिट्टी कर देंगे और मैं आप सब लोगों को बाहर से और आपको कवर करूंगा कि इनकी कैसी हालत है अंदर से और ये भी आपको बताते रहेंगे। तो फटाफट जेसीबी को बुलवाते हैं और इनको करते हैं अंडरग्राउंड दफन, वो भी 24 घंटे के लिए। तो गाइस यार, हमने गाड़ी के लिए यहाँ पर जो खड्डा है वो खोद लिया है और आप लोग जो खड्डे की साइज है, जो गहराई है, वो आप लोग देख लो। और अब इस गड्ढे के अंदर हम लोग लेकर आते हैं हमारी कार और उसके बाद में हम लोग दफन हो जाएंगे, वो भी जिंदा दफन। आने दे आने दे आने दे, हट जा हट जा हट जा। तो भाई हमारी जो गाड़ी है, आने दे दिनेश, आने दे। ओहो भाई, हमारी जो गाड़ी है ना वो पूरी जमीन दोस्त होने वाली है। चल 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 बस। तो गाइस अभी जो है हमारी गाड़ी बिल्कुल इस खड्डे के अंदर आ चुकी है और मैं और गुड्डू अब इस गाड़ी के अंदर जाएंगे। हमारा जो भी सामान है वो इस गाड़ी के अंदर है और 24 घंटे हमें इसी गाड़ी के अंदर रहना पड़ेगा और जैसे हम जाएंगे ऊपर से बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल रेत कर देंगे, ठीक है ना, और हमें कर देंगे बिल्कुल जिंदा इस गाड़ी के अंदर दफन। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब। बिल्कुल बनता है भाई, आज जो रिस्क ले रहे हैं ना उसके लिए तो बनता ही बनता है, फ्री का बटन है दबा दो। तो भाई अब मैं जो है ना अंदर जा रहा हूँ, ये रही जेसीबी, ये आ गया मैं अंदर और अब मुझे घुसना है अंदर। ये रहा एक गुड्डू, पहले अंदर बैठा है। अरे भाई आई एम ऑलरेडी इन हियर। ठीक है भाई, मैं भी है ना अंदर आ गए हूँ और माता बांध के आया हूँ, पता नहीं क्या होगा। और हमारे पास कैमरा है, बैटरी है, बहुत सारी चीजें हैं और वो रही जेसीबी, देखो भाई हमारी मौत हमारे सर के ऊपर है और हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी के अंदर अभी जो जो आइटम है ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीने के लिए पानी की बोतल है,
ठीक है, खाने के लिए टिफिन है, टिफिन दिखा दे। मोरा मोरा इसके अंदर है, ठीक है टिफिन है। और यहाँ पर अभी इमरजेंसी के अंदर जब गर्मी लगेगी तो हम इस पंखे को भी ऑन कर लेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। और अभी तक तो जेसीबी ने ढका भी नहीं है मिट्टी से हम लोगों को, और अब हमें यहाँ पर ढका जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं जेसीबी इस खड्डे को वापस भर रही है, और अंदर आप देख सकते हैं शिवराज और गुड्डू कार के अंदर बैठे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी कर देंगे और उसके बाद इनका चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। गाइस जिंदा बाहर आएंगे या फिर नहीं 24 घंटे बाद, अभी हालत देखो हमारी। अभी बता देना भाई, एक मिनट नहीं हुई है और हमारी हालत खराब हो गई है सच में। भाई हमारी गाड़ी का जो है कांच पूरा का पूरा टूट गया है। जा रहा है कांच, जा रहा है। गया 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 ओ, 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 गया 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 कांच गया ओ गया। बल्ब भी जा रहा है, बल्ब भी जा रहा है, ये पूरा गया। ए ए ए आंख बंद कर लेना ना। ओ ओ ये गया भाई, गया 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 खत्म। तो गाइस यार मिट्टी के ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो हमारी जो ये विंड शील्ड है ना वो यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुकी है और हम लोग जो है बाल बाल बचे हैं। अगर थोड़ी सी भी हमारी जो सावधानी है वो हट जाती तो हमारा कुछ भी हो सकता था गाइस, कुछ भी। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कांच की जगह एक फ्लाई होती है वो लगवाएंगे और उसके बाद में और डिफेंड करेंगे। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लाई को यहाँ पर सेट कर देते ताकि इधर से उधर से बिल्कुल भी रोशनी ना आए और ना हवा आए। और भाई अंदर हमें वापस पैक किया जा रहा है। इस फ्लाई के ना कील भी लगी हुई है ताकि हम ना अंदर से बाहर ना जा सके। लाओ पाउडर लाओ। तो गाइज आप देख सकते हैं वहां पर हमने रेत से पूरी तरीके से कार को ढक दिया, और यहां पर आपको बता दूं यहां पर इन्वर्टर लगा रखा है कि ताकि उनके एक बल्ब चल सके, अंदर पंखा चल सके और लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए। और यहां पर हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद सेटअप लगाएंगे, यहां पर टेलीविजन लगाएंगे और लैपटॉप लगाएंगे, वो अंदर क्या क्या कर रहे हैं वो आप सब लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई अब जो है ना हमें पूरी तरीके से अंडरग्राउंड कर दिया है, और यहां देखो ये पेक है, इधर मिट्टी है, इसके पार भी मिट्टी है, इधर मिट्टी है, इधर मिट्टी है, और गुड्डू के पीछे आपको दिखाता हूँ इधर भी मिट्टी है, ये देखो भाई। भाई पूरी तरीके से अब हम लोग जो है पैक हो चुके हैं, और पता नहीं वो लोग ऊपर क्या कर रहे होंगे और हम लोगों को आवाज आ रही है ऊपर, वो पता नहीं नाच रहे हैं क्या कर रहे हैं। चल घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं आराम से, और मेरे जूते इधर है, खाना इधर है, कैमरा वगैरह सब इधर है। और भाई एक बात बताओ, ये जो पानी की बोतल है ना, जब हम लोग इसके अंदर आए थे बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है ये भी, यानी कि जो पानी है वो भी अब नॉर्मल हो चुका है। भाई 24 घंटे के लिए कैमरा कम ना पड़ जाए, इसलिए गोप्रो है हमारा, सोने वाला कैमरा है, मेरा फोन है, एक ये वाला फोन है, एक गुड्डू वाला फोन है, यानी कि बैकअप खूब सारा है। भाई यहाँ पर है ना खाने के लिए है ना काफी सारी चिप्स है, और यहाँ पर नमकीन है, और यहाँ पर टिफिन भी है, और हम लोगों को जब भूख लगेगी ना तो हम खाना खा लेंगे। इसके अंदर क्या है, इसमें क्या, इसमें कड़ी कड़ी लेके आया हूँ घर से, कड़ी कड़ी। अच्छा कड़ी कड़ी, और ये क्या काम आएगा ये? भाई जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाना ये क्या काम आएगा, ठीक है। बिल्कुल खाली गैलन है तो ये क्या काम आ सकता है आप लोग समझ जाना, उसके बाद में मत पूछना भाई ये कहाँ किया वो कहाँ किया, समझ जाना। समझ रहा समझ रहा ना, इमरजेंसी वो इमरजेंसी होगी तो कोने में कर लेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन करेंगे करेंगे जरूर भाई। और भाई अंदर जो है ना इतनी गर्मी है और लगभग हमें डेढ़ घंटा हो गया ओ भाई। अंदर है ना ये पंखा चल रहा है, और पंखे के लिए पीछे से हवा मिलती रहे इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक जुगाड़ कर रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने एक पाइप लगा रखा है ताकि है ना बाहर से हवा मिलती रहे इस पंखे को। बिल्कुल। अरे भाई 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत मजे है भाई, अंदर तो बहुत जन्नत है भाई, मजे ही मजे है। तू आएगा क्या? अरे नहीं, कैसा होगा, गाड़ी पैक है। अबे यार कल कर देंगे तुझे और पैक 24 घंटे बाद। अभी दिनेश पूछ रहा था अंदर कैसी कंडीशन है, कैसी हालत है, तो आप लोग है ना कमेंट करके दिनेश को बता दो कि हमारी जो कंडीशन है ना वो अंदर कैसी है, अभी देख लो आप। भाई इतने कमेंट करो आज कि कमेंट बॉक्स फाड़ डालो।
तो भाई अभी जो है ना हम लोग चारों तरफ से पैक हैं और क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ पसीना, देख रहा हूँ भाई मेरा पसीना बहुत ज्यादा है, वो देखो उधर गोप्रो लगा एंड चारों तरफ से पैक है भाई हम लोग। भाई ये जो रुमाल है ना इसको हम पोंछ के इसको भी गीला कर चुके हैं हम लोग, यानी कि पंखा लगा हुआ है इसके बावजूद इतनी गर्मी हो रही है गाइज। और जो आपको आवाज आ रही है पीछे पता नहीं कैसी, तो वो गाइज इसकी आ रही है पंखे की, तो यार थोड़ा मैनेज कर लेना, बहुत हार्ड चैलेंज है। ये देखो ये जो मिट्टी है वो बहुत खतरनाक हो चुकी है, ठोस हो चुकी है ना? बिल्कुल गाइज। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो है बाल बाल बचे थे उस विंडशील्ड से, अगर थोड़ी सी भी हमारी जो सावधानी थी हट जाती ना तो हमारे आंख के अंदर या फिर सर के अंदर कहीं पे भी जो कांच है ना वो आ सकता था। यार जोर से तो बोल, ये कुछ नहीं है। लरा फालतू भाई साहब, ये जो चीज है ना ये पाइप लगा हुआ है वो हमारे बात करने का तरीका है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। हाँ हाँ, कैसे हो अंदर भाई? अंदर कैसे है बता दे कैसे है? अरे भाई मौत आनी बाकी है बस। भाई अंदर क्या है, सिर्फ मरना बाकी है, मरे नहीं और बाकी कुछ बचा नहीं अंदर। भाई अभी हमें ना बोलना है इसीलिए ये फैन को बंद कर रहा है और आपको दिखाना है टाइम की, अभी टाइम क्या हुआ है भाई। टाइम का ना वैसे तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है टाइम का, सिर्फ और सिर्फ ये घड़ी देखने के बाद ही पता चल रहा है मोबाइल के अंदर। टाइम हुआ है 4:51 भाई, जब हम लोग है ना बोलने के लिए इस पंखे को बंद करते हैं ना तब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को किसी ने सूली के ऊपर चढ़ा दिया, उससे भी खतरनाक सजा लगती है ये इस पंखे को बंद करना। बिल्कुल भाई, और मेरी हालत देखो, हम आए थे सुबह 11 बजे और हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल पानी पानी हो गया है। हमने देखो 4-5 बोतल चखी थी, 2 ही बोतल बची है। और हमारा जो खाना है ना भाई, आपको खाना दिखा देता हूँ, हमारा खाना इधर रखा हुआ है। और यहाँ पर एक गाइस दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो थोड़ा कम है भाई, कम पड़ गया है क्योंकि चारों तरफ से पैक है। अब पता नहीं हमारी टीम कहाँ है, दिनेश कहाँ है, सारे लोग कहाँ है हमें नहीं पता। भाई जहाँ भी हो प्लीज यार हमारे लिए कुछ व्यवस्था करना। क्या क्या भिजवाएं इधर से? इधर से आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाय का टाइम हो रहा है अब तो, ठीक है ना? चाय नहीं आ सकती इसके, आएगी नहीं यार। चलो ठीक है रहने दो। तो आज है ना हम लोगों को चाय के बिना ही रहना पड़ेगा, सिर्फ खाने के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, आज तो हमें बोलने का मौका मिल रहा है। क्यों रे? क्यों, वो दो तो अंदर है, देखो आज हम बोलेंगे। हम लोग यहाँ पर कुर्सी लगाकर आराम से उनके ऊपर बैठे हैं और वो इस गाड़ी के अंदर दफन है भाई। आराम से बैठे हैं, आराम से, गजब की फीलिंग है। देखो नीचे कार है और ऊपर हम बैठे हैं। तो गाइज अभी टाइम हुआ 6:47, आप देख सकते हैं, और अभी के टाइम के अंदर वो इस गाड़ी के अंदर दफन है। और गाइज अभी शाम होने वाली है और हम लोग क्या करते हैं उनको रियल टाइम दिखाते हैं कि वो अंदर क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या है कि यहाँ पर मिरर कास्टिंग किया टीवी से कनेक्ट करके मोबाइल को, और वो देखो वो अंदर वहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं दोनों, ये गुड्डू बैठा है और यहाँ पर शिवराज बैठा है, और हम लोग उनको अभी रियल टाइम के अंदर देख रहे हैं कि वो अंदर क्या कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ी कोई भी तकलीफ होगी रात में तो हम क्या करेंगे, इनको देख लेंगे और उसके बाद उनकी हेल्प कर देंगे जो कुछ भी होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग आराम से मस्ती से बैठे हैं, और हम लोगों ने सोचा क्यों ना उनको थोड़ा डराया जाए, उनके साथ प्रैंक किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पर दिवाली वाले छोटे मोटे पटाखे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो बैठे हैं इसके ऊपर छत के ऊपर इन पटाखों को जलाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये क्या बोल रहा है? अरे क्या कर रहा हो रे? अरे आवाज किस चीज की आ रही है? पटाखों की, पटाखों की। दिवाली आ रही है, दिवाली। अरे हरामी, और दीपावली दूर है अभी। अरे मुझे ये बताओ कितनी बजी है और अंधेरा हो गया है बाहर? बाहर अंधेरा हो चुका है। अरे पटाखे मत चलो यार, गाड़ी जल जाएगी यार, डरा दिया तुम लोगों ने। और वो बोल रहे हैं बाहर अंधेरा हो गया है। ओह भाई साहब यार क्या बात है भाई, हम लोग तो इधर इस गाड़ी के अंदर घुटन से मर रहे हैं और उनको ना ऊपर मस्ती सूझ रही है भाई, पटाखे चला रहे ऊपर। अरे यार और चला दिया। ओए 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 अंदर आग आ गई।
ओए अरे अंदर आ गाड़ी है ओए अरे अंदर आ गाड़ी है आ गाड़ी अंदर बिस्तर दल गए भाई अरे यार ये पागल हो गए अरे मत चलो ओए बाल बाल बच गए बिस्तर तो गाइस बहुत डर के बहुत ज्यादा डर रहे क्या हुआ अरे अंदर कहाँ आई बाहर ही आग अरे हमने नहीं किया है ये जीतू ने कहा कि छोड़ो छोड़ो तो गाइस यार सुबह 11 बजे बैठे थे और ना कुछ चाय है सिर्फ पानी है और अब हम लोगों का टाइम हो चुका खाना खाने का और देखो यहाँ पर है ना मैंने 11 बजे खाना डाला था अंदर 10 बजे डाल लिया था इवन घर पे तो इसके अंदर पूरी की पूरी रेत है भाई जो भी है आज मिट्टी खानी पड़ेगी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ओहो कड़ी है इसके अंदर वाओ भाई मस्त कड़ी है भाई जल्दी कॉल भाई और अब मुझे है ना भूख लग गई है और इसको भी भूख लग गई है गुड्डू को भी ओहो रोटी ये जो मिर्ची है ना वो कौन कौन खाता है और किस किस की फेवरेट है कमेंट करो और ऐसे कभी खाना खाया है क्या भाई हम तो पहली बार खा रहे हैं दफन होके खाना तो गाइस अब मैं आपको बाहर का माहौल बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम खेत के अंदर ये काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चारपाई लगा रखी है ये मेरी है उधर जीतू सोएगा और ये यहाँ पर बैठा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर से इनकी निगरानी रख रहे हैं यानी कि अंदर मिरर कास्टिंग चल रही है और यहाँ से हम उनको कवर कर रहे हैं और यहाँ पर हम पूरी रात हम इनके बाहर यहाँ पर बैठने वाले हैं अरे हेलो खाना वाना हो गया क्या अरे खाना खा रहे हैं अभी खालो 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 आराम से खालो ठीक है ना अरे बस पूछ रहा हूँ यूं ही बस जीतू गया लेने के लिए आ रहा है ओके खाना खाने का फास्ट फॉरवर्ड ठीक है ये रखना है उसके बाद पास डालना है तो भाई अब आया हमारे लिए टिफिन और जीतू खाना खा के आ चुके हैं और मैं और युवराज यहाँ पर खाना खाएंगे और वो अंदर बैठे हैं एक बार क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है भाई हम लोग खाना खा लेते हैं तो गाइस खाने में आप देख सकते हैं राजस्थानी दाल बाटी और चूरमा है मजा आ जाएगा भाई उन लोगों का पता नहीं हमारा तो दिन मिल गया अंदर का जो माहौल है ना हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि बाहर का जो माहौल है वो किस प्रकार का है कितना अंधेरा है क्या मतलब बाहर का माहौल कैसा है हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ है बिल्कुल अनजान है तो पता नहीं क्या हो रहा होगा बाहर लेकिन आपको है ना एक बार दिखा दिया जाए कि कौन सी चीज क्या है रेत ही रेत रेत ही रेत पंखा बोर्ड मोबाइल कैमरा उधर गोपरो स्क्रीन कास्ट के रेत ही रेत ये मां से गुड्डू जी पानी की बोतल्स रेत रेत और यहाँ पर गीली मिट्टी और यहाँ पर खाना यहाँ पर है हम लोग अब दिन हो चाहे रात हो हमारे लिए तो रात ही रात है अंधकार ही अंधकार है हमारे लिए तो भाई अब काफी टाइम हो चुका है हम लोगों को खाना खाए हुए लगभग टाइम हो चुका क्या टाइम हो गया भाई 10:49 प्रॉपर और अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ की कंडीशन देखो गाइस यहाँ पर सोना कैसे आएगा यार लेकिन इसके बावजूद हम सोएंगे लेकिन थोड़ी बहुत क्या कर लेते हैं यहाँ की सफाई कर लेते हैं हम लोग देखो भाई यहाँ पर है ना स्पेस कम है इधर पूरी की पूरी रेत है और इधर कुछ चीजें भी रखी हुई है यानी कि ये चीज है उस साइड से जो है अपना सर नहीं कर सकते भाई लोग जो बाइक पर जा रहे हैं ना हाँ वो बोल रहे क्या सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे सिस्टम हाँ जो लोग बोल रहे ना उनको भी भेज दे अंदर वो बोल रहे क्या खेल दिखा रहे हो क्या हाँ तो भाई लोग अब काफी टाइम हो चुका है और हम लोगों को आ रही है नींद और यहाँ पे हम लोगों ने पंखा वंखा स्टार्ट कर लिया है यानी कि गर्मी का तो बिल्कुल नाम और निशान भी नहीं है और अब हम भाई सोएंगे आराम से देखो बाहर हो चुकी है रात देखो नॉर्मल सी बात है अंदर तो हमारे दिन के अंदर भी रात थी लेकिन टाइम दिखा दूं आपको 11:15 हो गई है और अंदर करने का कुछ नहीं है बाथरूम हमने कर लिया खाना हमने खा लिया और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है फोन हमने चला लिया करना जो था ना वो सारा सब कुछ कर लिया है बिल्कुल भाई यानी कि दिन में भी रात थी और रात में भी रात है हमारे लिए तो सब कुछ बराबर है भाई बराबर है तो हम मिलते हैं सुबह तब तक के लिए गुड नाइट लव यू सो मच तो गाइस जो हम बाहर हैं यानी युवराज जीतू और ये शिव हम कब के बैठे बैठे यहाँ पर चारपाई पे बातें कर रहे हैं और हमने आप देख सकते हैं
कि हमने हमारे बिस्तर वगैरह कर लिए चारपाई के ऊपर, और अब आपको टाइम बताऊं तो टाइम हो चुका है रात की 12:48, और हम उस टीवी के पास जाकर देखते हैं मिरर कास्टिंग के अंदर कि अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुड्डू और यहाँ पर शिवराज, यहाँ पर फैन चल रहा है जोर से, और यहाँ पर गोपरो लगा है और वो भी सो चुके हैं। तो हम भी क्या कर रहे, सोए जीतू? हाँ सोयो। कितनी बजी? अभी टाइम हुआ है 7:40। अरे शिव, ओ शिव, उठ रहे? अरे उठ रहे? ए! अरे उनकी देखो कंडीशन क्या है उनका हाल। उसमें देखिए मिरर कास्ट में देखिए, वो तो बंद है। गुड्डू, शिवराज, शिवराज गुड्डू, शिवराज भैया, गुड्डू भैया, हेलो। अरे अभी तक नहीं उठे क्या रे? दिन उग गया, उठ जाओ। गुड्डू भैया, शिवराज भैया। अरे सुनो, अरे उठ गए। हमें डर रहे थे यार। तुम्हें पता ही नहीं चला? हमने सोचा कल है ना तुम लोग मजे ले रहे थे। रेडी तो है ना? अरे ओके, आराम से उठ गए हम। चलो ठीक है, दिन हो गया है, अब तो थोड़ा ही राह चले आपका। हाँ हाँ, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। हमने सोचा कल रात को ना तुम लोगों ने मजे लिए, तो अभी हम ले लेते हैं थोड़े बहुत। तो भाई है ना, उठने का काम हो गया है और हमने जो है ये टेक शुरू नहीं किया था और इन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वैसे हम लोग उठे तो इनकी वजह से ही है, ये है ना काफी देर से ना चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। तो उस टाइम हम लोग उठ गए, लेकिन उठने के बाद हमने सोचा कि इनको बताना नहीं है, इनके साथ छोटा सा प्रैंक कर लिया जाता है कि हम लोग अभी तक उठे नहीं, और ये शायद पता नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि बाहर ना डर गए होंगे, है ना। शायद डर गए कि भाई इनके साथ क्या हुआ है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात है कुछ हुआ नहीं है। और अब दिक्कत यह है कि पीने के लिए हमारे पास कोई भी चाय वगैरह नहीं है, जिससे ये लगे। देखो जो भी अपनी घर की बात है, फैमिली वालों को मैं बता दे रहा हूँ, भाई ये लगने का कोई चांस नहीं है। ये काम तो है ना बाहर निकलने के बाद ही होगा, ठीक है। भाई हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये बार बार इस पंखे को ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। और है ना इसके साथ है ना मैं टाइम पास ऐसे भी कर रहा हूँ जैसे वीडियो गेम खेलता है ना ऐसे। भाई जैसे कोई बच्चा हो और इसको खिला रहा है, लेकिन हमारे पास कोई गेम नहीं है, हमारे पास कोई टाइम पास नहीं है, हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हमारे पास वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। ये पंखा है, ये गाड़ी है, शिवराज है और मैं हूँ। देखो ये रेत है, ये हमारी मिट्टी है, इधर ही हम सोए थे, और अब मुझे लगी है बहुत 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 सारी बाथरूम। लेकिन अब भी है ना इस बार है ना गाड़ी के अंदर नहीं करनी तेरे को। अरे मैं, अरे वो वाली लगी है तो है ना बाहर जाके करेंगे, ठीक है, वो वाली चाहे वो वाली, ठीक है, कोई भी हो बाहर जाके करनी, ये एक और चैलेंज है अपने पास। अरे भाई पेट फट। भाई ये हमारा रमतिया है, यानी कि खिलौना, और हम दोनों इस खिलौने से रम रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि हम लोग हैं प्लेयर और ये है खिलौना। करने को कुछ है नहीं, क्या करें भाई बैठे बैठे। लेकिन अब है ना कुछ ही टाइम बचा है हम लोगों को बाहर निकलने के लिए, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं, आजाद हो जाएंगे कुछ टाइम में। तो भाई जो जो अभी बना है ठोक दो लाइक, ठोक दो सब्सक्राइब, क्योंकि बटन बिल्कुल पास में है आपके, नीचे है आपके, ये रहा ये रहा। तो भाई अब मैच होगा जीतू और शिव के बीच। तो गाइस मस्ती करते करते लगभग 10:15 बज चुकी है,
और अभी तक वो दोनों लोंडे इस कार के अंदर जमीन के अंदर दफन है। और गाइस उनका 24 आवर्स का चैलेंज 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट होने वाला है। उनको पता होगा या नहीं होगा, हम बाहर से उनको बोल देंगे, आवाज लगा देंगे कि भाई आपका चैलेंज कंप्लीट हो गया, तो बस 1 घंटा बचा और। तो भाई यहाँ पर उन दोनों का चैलेंज कंप्लीट होता हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप बच चुके हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों फटाफट उनके पास चलते हैं, उनको बताते नहीं है कि भाई बच चुके हैं। रुको, हम क्या करते हैं पहाड़ा लेकर उनको डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, बल्कि उनको पाइप से नहीं बताते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं कि भाई आपका टाइम खत्म हो चुका है। वो अंदर क्या कर रहे होंगे हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो लौंडो टीको बाहर निकालो फटाफट। चल है ना? हाँ यार कुछ तो कर रहे हैं। एक मिनट देखूं। टाइम देख। बज गई। क्या टाइम? बज गई। 11:04 ऊपर हो गए भाई हमें। गाड़ी हिल रही है पूरी। गाड़ी हिल रही है शायद वो आगे ऊपर आ गए। बिल्कुल। और भाई अभी जो है ना पूरी गाड़ी ठोस हो रखी है, अगर ये शीशा टूटा तो हमारी समाधि अंदर ही बन जाएगी। उनको भी है ना काफी केयरफुल रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। खोद रहे भाई। टाइम हो गया भाई। भाई अभी पूरी मिट्टी मिट्टी है, लेकिन कोई कूद रहा है या कोई चीज रगड़ रहा है वो मुझे पता लगी। और इधर से है ना थोड़ी सी जगह हुई है भाई, देखो इधर थोड़ी सी रोशनी मिली है भाई, हल्की सी रोशनी। बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने वाले हैं। पता कैसा लग रहा है भाई? अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब हम लोग बाहर निकलेंगे ना इतनी कम रोशनी से और बहुत ज्यादा रोशनी के अंदर हम लोग जाएंगे ना तो कैसे रिएक्शन रहेंगे हमारे यार। 11 बजे से ज्यादा हो गई है, 11:07 यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हमने बिता लिए हैं भाई अंदर, और अभी वो खोद रहे हैं यार। अरे धीरे धीरे टिफिन जा रही है यार, टिफिन जा रही है। अरे हटा दो जल्दी भाई साहब। देखो उनकी कंडीशन देखो एक बार। ओ भाई ओ आ जाओ बाहर आ जाओ। ओ भाई मुर्दों बाहर आ जाओ। जिंदा है, आंखें नहीं खुल रही हमारी। ओ भाई बाहर आने का टाइम आ गया है। ओ आ भाई साहब गाड़ी कितनी दफन है देख लो। ओ भाई अरे आओ 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 भाई क्या धूप है। मजा आ गया। ओ भाई शीशा कहाँ कहाँ से टूटा भाई। आंखें नहीं खुल रही भाई। आंखें नहीं खुल रही भाई, ऐसा लग रहा है हमें अंधा करके रखा था और काफी सालों बाद हमारी आंखों की रोशनी आ गई है भाई। बाहर की दुनिया है ना, सच में बाहर की दुनिया है यार। हवा कैसी लग रही है? हवा अरे मतलब लग रही है ठंडा ठंडा कूल एकदम, जैसे फ्रिज के अंदर बैठे हैं हम लोग। तो भाई हम लोगों ने 24 घंटे इस कार के अंदर जिंदा सरवाइव कर लिया है, और फिक्स 24 घंटे होते ही हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि बाहर निकाल लिया जाए, और 24 घंटे होते ही हमारी टीम ने हमें जिंदा ही बाहर निकाल लिया है। बिल्कुल गाइस यार ये जो चैलेंज था ना कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था, बल्कि चैलेंज की दुनिया का बेताज बादशाह था। यानी कि सच के अंदर ये इतना ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। लास्ट के अंदर जब 2 घंटे बचे थे ना तो हमारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी, और जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी धीरे धीरे अब कम हो रहा था, और जैसे जैसे दिन हो रहा है और अंदर जो गर्मी है वो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रही थी भाई। हम बाहर बैठे बैठे परेशान हो गए थे, तो भाई इनकी हालत का तो कुछ नहीं किया है। हमारी हालत खराब है। तो भाई अच्छा लगा ना, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल भाई। तो गाइस यार हम लोग मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना यार, आज तो बिल्कुल मत जाना।